नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 11th of March 2023। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी। आइए देखते हैं कि ये वीक पे क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। फेड फियर्स, बैंक जिटर्स, मिक्स्ड जॉब रिपोर्ट, वन बैड वीक। डॉलर वीकेंड्स आफ्टर यूएस जॉब डेटा सजेस्ट ए स्लोअर रेट हाइक पाथ। यूएस नॉन फार्म पेरोल फेब्रुवरी एक्चुअल 311K वर्सेस 517K प्रीवियस एंड एस्टिमेट 225K। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेब्रुवरी एक्चुअल 3.6% वर्सेस 3.4% प्रीवियस एंड एस्टिमेट 3.4%। US private non-farm payroll February actual 265K versus 443K previous estimate 215K। ये हो गया आपका non-farm payroll। उससे पहले US weekly jobless claims increased 21,000 to 211,000। Prior to that the important event was Fed Chair Jerome Powell's testimony to US lawmakers. The 2 days of Fed testimony to US lawmakers, emphasizing the coming higher than anticipated rate hikes, have pushed terminal rate levels further higher. The Fed chair, Powell, reaffirmed his message of higher and potentially faster rate hike, but emphasized that debate was still underway, with a decision hinting on data to be issued before the Fed policy. ये हो गया major dollar related events। अभी आते हैं technical part पे। Dollar index कल close दिया है 104.63 after a touching a low of 104.04। दो दिन पहले ये आपका 105.88 टच करके आया है। ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन था एट 105.25 से 105.75, दिस एक्टेड एज ए सॉलिड रेजिस्टेंस लेवल। अभी ये रेजिस्टेंस लेवल प्रूव हो चुका है, बट दो दिन पहले जब ऑन 8th of March डॉलर इंडेक्स एक डोजी कैंडल बनाया हुआ था, तो हमें कुछ भी पता नहीं था क्या ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा। आप अगर 9th मार्च का डेली करेंसी एनालिसिस आप देखोगे ऑन माय बोरुवाज़ वे चैनल, वहां पे यही छोटा सा एक इंडिकेशन था। ये जो डोजी इज ए पॉज कैंडल, अबोव द हाई कंटिन्यूएशन, बिलो द लो रिट्रेसमेंट, इतना ही स्टेटमेंट था। और क्या हुआ दो दिन में? बिलो द लो रिट्रेस हो चुका है। अभी हमारा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसके ऊपर क्लोज दिया है, नीचे क्लोज दिया नहीं है। आने वाले दिनों में, दैट मीन्स नेक्स्ट वीक मंडे अनवर्ड्स, इंडेक्स को अगर सॉफ्ट होना है तो कल का जो लो है 104.03 उसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा। ऑल्सो आपका जो डाइवर्जेंस कितना बार का, नाइन बार डाइवर्जेंस का जो नेकलाइन टारगेट आ चुका है, और इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है तो 104 and 105.80, 180, 104, 103, 102, 20, इस लेवल तक आना चाहिए, इस लेवल तक आना चाहिए। कब? वंस द इंडेक्स डेली क्लोजेस बिलो फ्राइडेज लो। अभी हायर टाइम फ्रेम पे एक नजर डाल लेते हैं। मंथली अभी भी अंडर फॉर्मेशन से, सो वी कैनॉट इंटरप्रेट एनीथिंग मेजर हियर फ्रॉम हियर, लेकिन वीकली पे जो
आपका रेजिस्टेंस ऑन द सेंटर वेंट अभी भी बरकरार है। दैट बीइंग द केस मंडे में करंट वीक का लो के नीचे दैट इज 104.03 के नीचे एक अच्छा खासा सॉफ्टनेस हमें इंतजार रहेगा। एक बार ये डेली ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है एंड फ्राइडे का लो के नीचे क्लोज दे देता है। इन सच ए केस फर्स्ट टारगेट इज 102.25 एंड सेकंड टारगेट इज 101.50। ओनली वन कंडीशन इज दैट कि आपका ये जो करंट वीक का हाई है उसके ऊपर डेली क्लोज नहीं देना चाहिए। दैट मींस 105.90 के ऊपर डेली क्लोज नहीं देना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज फॉल्स, मींस निगेटिंग द सिस्टम। व्हाट सिस्टम? ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सिस्टम, वीकली वर्सेस डेली। अभी आते हैं डॉलर रुपी पे। आपका इंडियाज एफएक्स रिजर्व राइज टू $562.40 billion ऑन 3rd March वर्सेस $560.94 billion इन द अर्लियर वीक। ऑल्सो इंडिया जनवरी IIP डेटा एट 5.2% ईयर ऑन ईयर वर्सेस 4.3% इन December एंड ब्रॉडली इन लाइन विद एस्टिमेट्स ऑफ अराउंड 5%। अभी आते हैं आपका टेक्निकल एनालिसिस पे। ड्यूरिंग द वीक हमने देखा ऑन 8th March इट ट्रेडेड हाई ऑफ 82.30 एंड फेल्ड। कल इट ट्रेडेड हाई ऑफ 82.17 एंड फेल्ड। दैट बीइंग द केस उससे पहले आपका 2nd March को इट ट्रेडेड हाई ऑफ 82.62 एंड फेल्ड। उससे पहले ऑन 24 March को इट ट्रेडेड हाई ऑफ 82.98 एंड फेल्ड। व्हाट इट इंडिकेट्स? कंटिन्यूअसली लोअर हाईज बना रहा है। सो द मोमेंट इट ब्रेक्स द रिसेंट स्विंग लो व्हिच इज एट 81.60 वी कैन एक्सपेक्ट ए फर्दर सेल ऑफ। कंडीशन इनविजिबल हैंड्स, किस कितने ताकत से बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड है और डिसइंटरेस्टेड, क्या होगा एज फार एज द इनविजिबल हैंड्स आर कंसर्न्ड, उनकी डिसीशंस के ऊपर है। वी रेस्पेक्ट देयर डिसीशंस और इसके अलावा हमें कोई चारा भी नहीं है। सो व्हाट इट मींस कि बिलो 8160 वी कैन एक्सपेक्ट टुवर्ड्स 81 एंड 80.50। क्या ये होगा? क्या इनविजिबल हैंड्स अलाउ करेंगे? वो हमें देखना पड़ेगा। एक नजर मंथली पे एज पर द नॉर्म्स। क्या नॉर्म्स? अक्टूबर बुलिश, नवंबर बियरिश, दिसंबर बुलिश, जनवरी बियरिश, फरवरी बुलिश एंड मार्च बियरिश। एंड मार्च बियरिश के तरफ ही चल रहा है, हालांकि आज 11 तारीख है यानी और 20 दिन बाकी है, 20 कैलेंडर डेज बाकी है। तो क्या होता है? ये कंटिन्यू करता है या डिनाई करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। वीकली पे आप देखोगे कि प्राइस आपका एक स्मॉल बॉडी विथ बिगर हायर विक्स फॉर्म किया हुआ है एंड ट्रिपल टॉप बनाने के बाद आप देखोगे ये जो लोज है एज ऑफ नाउ हायर लोज है, 1 लो, 2nd लो, 3rd लो, इसको अगर नीचे आना है तो फर्स्ट इमीडिएट स्विंग लो को तोड़ना पड़ेगा दैट इज 81.61। उसके बाद प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ना पड़ेगा दैट इज 80.88 एंड उसके बाद इस लो को तोड़ना पड़ेगा, कौन सा? 80.47 के लो को तोड़ना पड़ेगा अगर इसको और भी नीचे जाना है। आप बोलोगे अरे भाई आशीष बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस कर रहा है, ज्यादा रुपी एप्रिसिएशन के बारे में सोच रहा है। नो, मैं यहाँ पे ज्यादा
एप्रिसिएशंस के बारे में नहीं सोच रहा हूं, आई एम सिंपली एनालाइजिंग द प्राइसेस। प्राइस को अगर नीचे आना है, हाई के टाइम पे देखिए ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हाई बनाया है एंड तीन तीन बार रिजेक्ट हुआ है, हायर एज लोज जो है हायर लोज बना रहा है, द मोमेंट इट स्टार्ट ब्रेकिंग वन लो आफ्टर द अदर, यानी पहले इस लो को तोड़ेगा एंड उसके बाद इस लो को तोड़ता है, देन इसका जो पैटर्न है पैटर्न निगेट कर रहा है, एंड इन सच ए केस हमें 80.50 के तरफ डॉलर रुपी दिखेगा अगर होता है तो। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में लास्ट तीन दिन में अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया है फ्रॉम द लो, लो ऑफ 1.1805 लेवल से। अभी क्या देखना है कि यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के नीचे, इस रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना है, फर्दर इसको ऊपर जाना है। पहला डेली क्लोज शुड बी गिवन अबव द रेजिस्टेंस लाइन, देयर आफ्टर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाना चाहिए। एक नजर हायर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। सो मंथली में हमें क्या देखना है जीबीपी में, फेब्रुअरी मंथ वाज अ बेयरिश कैंडल, उसके बाद एक अभी एक स्मॉल बॉडी पिन बार बना रहा है। हमें यहाँ पे देखना है जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीकली एनालिसिस में हमने डिस्कस कर चुके हैं, मंथ ऑफ मार्च क्या ये RSI 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन। अगर ये होता है तो आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में या हफ्तों में नहीं, आने वाले महीनों में ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा। ऊपर जाने के लिए फर्स्ट है ये जो तीन महीने का टॉप है, दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, उसके हाई को ब्रेक करना पड़ेगा एट 1.245 से, उसके हाई के ऊपर जाना पड़ेगा, देन जीबीपी डॉलर का जो ये सेल ऑफ है वो खत्म होगा, बंद होगा, एंड इन कमिंग मंथ्स ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। व्हाट आई वांट टू मीन इज वन मंथली कैंडल क्लोज अबोव दिस रिसेंट 3 months हाई, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका जो फॉल है जीबीपी का फ्रॉम 1.42 इन द मंथ ऑफ जून, मे जून ऑनवर्ड्स जो फॉल था 1.42 से आपका 1.04, ये फॉल को हॉल्ट करेगा एंड उसके बाद धीरे धीरे जाने का प्रयास करेगा। क्या ये होता है हमें देखना पड़ेगा। वीकली पे हम क्या देख रहे हैं कि वीकली पे मिड जनवरी पे एक RSI 60 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, अभी अगर इसको ऊपर जाना है तो RSI आपका 60 के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंतजार करना है। नेक्स्ट आते हैं जीबीपी INR। जीबीपी INR भी पिछले तीन दिनों में अच्छा खासा स्विंग हुआ है, ये आपका अभी इसको ऊपर जाना है तो ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस के हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा एंड देयर आफ्टर हायर हायर लो फॉर्मेशन करना पड़ेगा। जीबीपी INR वीकली पे आपका एक अच्छा खासा पिन बार बनाया हुआ है, पिन बार के हाई के ऊपर हम एक बाइंग सोच सकते हैं, बट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन है। वीकली पिन बार के हाई के ऊपर बाई बन सकता है, लेकिन इमीडिएट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन जीबीपी INR में एक अच्छा खासा हमें आउट वर्ड अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जीबीपी INR में भी सेम एज जीबीपी डॉलर एनालिसिस। देन यूरो डॉलर आपका है, ये भी अच्छा खासा बाउंस दिया है फ्रॉम द स्विंग लो आफ्टर टेकिंग सपोर्ट एट दिस लेवल, दैट इज एट 1.052430 लेवल्स, इमीडिएट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, उसके हाई के ऊपर क्लोज देना है, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम हायर अपवर्ड मूवमेंट। वीकली इट टुक सपोर्ट ऑन द सेंटर बैंड, दैट बीन द केस वीकली वर्सेस डेली एक ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड कैंडिडेट है, दैट बीन द केस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देगा तो वी मे एक्सपेक्ट यूरो डॉलर टुवर्ड्स 1.09-1.10। मंथली पे सम सॉर्ट ऑफ जीबीपी डॉलर का जैसे मंथली एनालिसिस है,
उसके हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यूरो आइनर्स यहाँ पर भी अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोज देना है हमें इंतजार रहेगा। हायर टाइम फ्रेम में भी आपका ये वीकली में सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इन सच ए केस वीकली वर्सेस डेली एक ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप है, जैसे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा वी कैन क्रिएट लॉन्ग पोजिशन कीपिंग स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग लो दैट इज 86.20 फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड दैट इज एट 90.50। डॉलर इन ये ऊपर से स्विंग किया हुआ है आफ्टर ट्रेडिंग हाई ऑफ 137.91, दो दिन बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है। मंडे ऑनवर्ड्स इसको अगर नीचे जाना है तो कल के लो के नीचे सेल ऑफ करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा नीचे की तरफ, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट इन डॉलर येन पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ। दैट बीइंग द केस एक हायर टाइम फ्रेम में देख लेते डॉलर येन, डॉलर येन सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, मंथली भी रेंज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस मंथली को अगर रेंज शिफ्ट अगर हो जाता है इन सच ए केस डॉलर येन पे अच्छा खासा कमिंग मंथ्स में एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कंफर्मेशन जरूरी है, कंफर्मेशन अवेटेड। येन आईएनआर पे यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर क्लोज दिया है, इसको ऊपर जाना है तो कल के हाई के ऊपर कंटिन्यू करना पड़ेगा मंडे ऑनवर्ड्स, देन एंड ओनली देन एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली एक सपोर्ट लेने का क्रैश करें सिमिलर टू जीबीपी डॉलर, सो पिन बार अंडर फॉर्मेशन अभी भी मंथ बाकी है। वीकली पे सेंटर बैंड के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, दैट बीइंग द केस ऑन डेली क्लोजिंग अबोव दिस सेंटर बैंड एंड नॉट सेंटर बैंड इज ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वी कैन एक्सपेक्ट आपका टुवर्ड्स 64 के तरफ हम जेपीवाई आईएनआर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी में एक डोजी कैंडल बनाया है अच्छा खासा अप मूव के बाद 1.3826, ये डोजी कैंडल बहुत कुछ कहता है आफ्टर ए लॉन्ग अप मूव, इट्स अ पॉज कैंडल अबोव द हाई कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स 1.40 बिलो द लो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली पे हम क्या देखते हैं, वीकली पे हम देखते हैं कि ये आरएसआई 60 को तोड़ के ऊपर चला गया, दैट बीइंग द केस यहाँ पे मोमेंटम है, मंथली इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्लोज अबव 60, दैट बीइंग द केस यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम है, लेकिन अभी मंथली अंडर फॉर्मेशन से काफी दिन बाकी है। सो डेली पे ये डोजी के लो के नीचे सेल ऑफ, हाई के ऊपर आपका कंटिन्यूएशन। ऑसी डॉलर कंसोलिडेट कर रहा है तीन दिन बैक टू बैक स्मॉल बॉडी कैंडल्स, सो दैट बीइंग द केस लो के नीचे एक सेल ऑफ फर्दर कंटिन्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस। एक हायर टाइम फ्रेम में नजर डाल देते हैं, मंथली पे सेल ऑफ कंटिन्यू है, वीकली में भी सेल ऑफ कंटिन्यू है। यहाँ पे जो देखने वाला बात ये है कि आपका मंथली वर्सेस वीकली ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड है जिसका टारगेट है 0.64 से 64 की तरफ, ये क्या आता है आने वाले हफ्तों में, ये आने वाले महीनों में ये हमें देखना पड़ेगा। CNH यहाँ पे आपका 8 बार डाइवर्जेंस, RSI डाइवर्जेंस और ऑल्सो वॉलीटिलिटी डाइवर्जेंस आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस, दैट बीइंग द केस ये जो नेक लाइन है दैट इज एक्सपेक्टेड 6.86 एंड उसके लो के नीचे 6.7350 इज एक्सपेक्टेड। हायर टाइम फ्रेम में एक नजर डाल लेते हैं, हायर टाइम फ्रेम में भी आपका ये मंथली अंडर फॉर्मेशंस नथिंग कैन बी सेड, बट एक ही इंडिकेशन है कि रेंज शिफ्ट पॉसिबल है ऑन मंथली, लेकिन मंथ पूरा बाकी है। वीकली में सेंटर बैंड में एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, दैट बीइंग द केस प्रीवियस वीक का लो के नीचे 27 फरवरी वीक का लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूके ऑयल कंसोलिडेटिंग बिटवीन 79 and 89, यहाँ पे कुछ कहना नहीं है जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता है। US 10-year ट्रेजरी यहाँ पे नॉनस्टॉप हमारा, आप अगर मेरा कल का क्या बोलते हैं डेली एनालिसिस करेंसी डेली बोरवाज हुए चैनल में आप देखोगे तो आप वहां पे मिलेगा कि ये जो सपोर्ट लाइन है इसके लो के नीचे एक फर्दर सेल ऑफ, एंड ऐसा लगता था कि आपका NAP डेटा से पहले ऐसा लग रहा था कि ये US
10 ईयर नीचे फॉल होने का एंटिसिपेशन था। ये कल का यानी फ्राइडे मॉर्निंग का डेली एनालिसिस अब में वो हमने डिस्कस किया है। मंथली एंड वीकली, मंथली में डाइवर्जेंस, नॉट डाइवर्जेंस, वॉलीटिलिटी डाइवर्जेंस, आरएसए डाइवर्जेंस नहीं है, वॉलीटिलिटी डाइवर्जेंस। इसको अगर नीचे आना है मंथली पे तो बिलो 60 क्लोज देना पड़ेगा ऑन मंथली बेसिस। वीकली में अच्छा खासा रेंज शिफ्ट हुआ है, दैट बीइंग द केस ऑन वीकली टाइम फ्रेम वीकनेस बरकरार है, एनी अपटिक मे बी सोल्ड इन दिस यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। सो ये हो गया आपका वीकली करेंसी एनालिसिस। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।